हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल रामगढ़ टैग में। दोस्तों, डायरेक्ट बहाली निकल कर आया है झारखंड के जिला रामगढ़ की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, और ये बहाली जो होने वाला है 26 दिसंबर 2018 के दिन बहाली होने वाला है। तो बहुत बड़ा खबर निकल कर आया है जिसमें सुरक्षा कर्मी पद पर बहाली का अपडेट निकाला गया है और सिर्फ आपको 9th क्लास से लेकर मैट्रिक पास वाले लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। तो चलिए, अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं, अगर आप बेरोजगार हैं तो यहाँ पर आप फॉर्म को आसानी से भर कर और अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम वगैरह नहीं है, इसमें डायरेक्ट बहाली लिया जा रहा है। तो कैसे फॉर्म को भरना है, जॉब लोकेशन कहाँ होगा और हाइट वगैरह, फिजिकल फिटनेस क्या होगा, पूरा डिटेल में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले। बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का मेहनत बस आपका एक लाइक करना है। तो चलिए, बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट जो निकाला गया, झारखंड सरकार श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग जिला नियोजनालय रामगढ़ भर्ती कैंप सूचना। जी हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जिला नियोजनालय रामगढ़ जिला की तरफ से भर्ती कैंप का यहाँ पर अपडेट निकाला गया, जिसमें यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में प्रतिष्ठान में नियोजन प्राप्त कराने का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड सरकार श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के तत्वावधान में जिला नियोजनालय रामगढ़ भर्ती कैंप का आयोजन 26 दिसंबर 2018 सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक अस्थायी जिला नियोजनालय रामगढ़ परिसर में किया जाना है। तो यहाँ पर अपडेट में यह बताया जा रहा है कि 26 दिसंबर 2018 को सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे दोपहर तक भर्ती कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड सुरक्षा कर्मी का बहाली का अपडेट लगभग 1650 पद पर बहाली का अपडेट निकाला गया और मिनिमम 9th क्लास पास वाले लोग फॉर्म को भर सकेंगे और मैक्सिमम अगर आप मैट्रिक पास है, ग्रेजुएशन है, इंटर पास है या पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, पूरा डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या इसमें एज लिमिट वगैरह बनाया गया। तो देखिए, यहाँ पर इसका एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं आप। पहला यहाँ पर देखिए, सिक्योरिटी गार्ड का 500 पद पर बहाली निकाला गया, जिसमें 9th क्लास वाले लोग फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट जो इनका होगा 18 साल से लेके 35 साल तक के लोग फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें देखिए सैलरी यहाँ पर कितना है, 9900 रुपया। जी हाँ, 9900 रुपया मिलेगा। और देखिए जॉब लोकेशन हैदराबाद, तो हैदराबाद में आपको यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का बहाली दिया जाएगा और इसमें हाइट जो आपका होगा 162 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगा गया है। तो यहाँ पर हैदराबाद में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 162 सेंटीमीटर आपको चाहिए, तभी आप यहाँ पर 500 पदों पर बहाली को आप भर सकते हैं। अब देखिए सेकंड नंबर में यहाँ क्या लिखा हुआ, सिक्योरिटी गार्ड 1000 सीटों पर यहाँ पर बहाली का अपडेट निकाला गया, जिसमें मैट्रिक पास वाले लोग यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और 18 साल से 35 साल तक यहाँ पर एज लिमिट बनाया गया। अब इसमें देखिए पे स्केल क्या है, 9614 रुपया। जी हाँ, 9614 रुपया यहाँ पर पेमेंट बताया गया। जॉब लोकेशन देखिए आपका यहाँ पर नोएडा में आपको जॉब यहाँ पर मिलने वाला है अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। इसमें जो आपका हाइट होगा 168 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपको 6 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मांगा गया। हैदराबाद में 162 सेंटीमीटर मांगा गया और नोएडा में आपका 168 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मांगा गया। अब देखिए अगला जो यहाँ पर निकाला गया सिक्योरिटी गार्ड का, 3 नंबर में 50 पदों पर बहाली का अपडेट इसमें निकाला गया, जिसमें 10th क्लास पास वाले लोग फॉर्म को भर सकेंगे और इसमें 18 से लेकर 35 साल तक के लोग फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो आपको पे स्केल मिलेगा वो 11000 रुपया प्रति महीना आपको यहाँ पर दिया जाना है और आपका जॉब लोकेशन जो होगा वो चेन्नई होगा। चेन्नई में आपको जॉब लोकेशन यहाँ पर मिलने वाला है और हाइट इसमें जो मांगा गया 165 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर बताया जा रहा है, तो 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होगा तभी आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकेंगे। उसके बाद 4 नंबर में सिक्योरिटी गार्ड का यहाँ पर देखिए निकाला गया है, जिसमें पदों की संख्या 100। जी हाँ, 100 पदों की संख्या यहाँ पर बताया गया। इसमें भी 10th क्लास वाले लोग, मिनिमम 10th क्लास होना चाहिए तभी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट जो आपका होगा यहाँ पर 18 साल से 35 साल तक के लोग फॉर्म को भर सकेंगे। 12972 रुपया प्रति महीना आपको पे स्केल यहाँ पर मिलने वाला है। अब देखिए जॉब लोकेशन यहाँ पर आपको कर्नाटक, जी हाँ आपको कर्नाटक में जॉब करना पड़ेगा और हाइट जो आपका होगा 165 सेंटीमीटर यहाँ पर बताया गया है, तो 165 सेंटीमीटर अगर आपका होगा तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते।
अब देखिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार जो पूर्व से निबंधित नहीं है वे निकटतम नियोजनालय अथवा झारखंड रोजगार NIC.in पर निबंधन कराते हुए उपरोक्त भर्ती कैंप में नियोजित प्रतिनिधि के समक्ष मूल प्रमाण पत्र उसकी छाया प्रति तथा बायोडाटा दो फोटो के साथ लेकर उपस्थित होंगे। चूंकि रिक्ति निजी क्षेत्र की है अतः चयन प्रक्रिया में नियोजनालय का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। मेला के दिन स्थानीय नियोजनालय पर निबंधन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि अगर आप पहले से निबंधित है तो आपको उसका जेरोक्स लेना है, बायोडाटा का आपका दो जेरोक्स लेना है और आपका प्रमाण पत्र जो भी होगा वो आपको जेरोक्स ले लेना है, दो फोटो के साथ आपको इस भर्ती कैंप में शामिल हो जाना है। अगर आप अभी तक नियोजन नहीं कराए हैं तो आप भर्ती कैंप के लिए शामिल होना चाहते हैं तो आप झारखंड रोजगार NIC.in में जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसमें जो नियोजन कार्ड आपको मिलेगा उसको आपको दो जेरोक्स लेकर इस भर्ती कैंप में शामिल होना होगा। और देखिए इसका जो डेट बताया गया 26 दिसंबर 2018 सुबह 11 बजे से, तो 26 दिसंबर 2018 सुबह 11 बजे से आपको यहां पर पहुंच जाना है और इसका जो एड्रेस होगा स्थानीय जिला नियोजनालय रामगढ़ परिसर। जी हाँ, आपका झारखंड का जो स्थानीय नियोजनालय रामगढ़ जिला का जहाँ पे आपका नियोजनालय ऑफिस है वहीं पे आपको पहुँचना है सुबह 11 बजे, आपको 26 दिसंबर सुबह 11 बजे तक पहुँच जाना है। तो यही इसका एड्रेस बताया गया और यही इसका नियम है। तो झारखंड के जितने भी जिला सभी लोग यहाँ पर आ सकते हैं, 26 दिसंबर 2018 को आकर शामिल हो सकते हैं। तो बस यही छोटा सा अपडेट निकाला गया आज के इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो में आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर कीजिएगा और ऐसी अपडेट आप लगातार पाना चाहते हैं जॉब की तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इजाज़त चाहूँगा, कल फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, नमस्कार।